के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जानकारी हम सभी स्टूडेंट को मैं देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है अमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी अपडेट जो है जानकारी निकल कर आ रहा है। 288 पदों पर भर्ती होगा। इस वीडियो में हम सभी को मैं बताऊँगा कि अमीन पटवारी भर्ती के 288 पदों के लिए जो है सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न है, बुक लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा और आपका एग्ज़ाम 2023 में होगा। तो इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के सिंचाई विभाग में, जल संसाधन विभाग में। टोटल 288 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी अपडेट जो है निकल कर आ रहा है। एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं ताकि आप से हर एक स्टूडेंट को जॉब मिल सके, रोजगार मिल पाए और आप अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आपके सपने पूरे हो पाए। तो यदि आप अमीन पटवारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम योग्यता क्वालिफिकेशन के बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और साथ में आपका एक वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एक वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स में यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया तो आप जो है छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आराम से जो है आप आवेदन कर सकते हैं, आराम से जो है आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको कोई भी त्रुटि इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नए नए भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं ताकि आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट बेरोजगार ना रहें और आपसे भी स्टूडेंट को जॉब मिल सके और अपने पैरों पर आप जो है खड़ा हो सके। वहीं अगर हम बात करें अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के आयु सीमा के तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष का। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं आप आवेदन कर पाएंगे, वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं आप इसमें आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करना, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस बुक लिस्ट के बारे में ताकि आपको और बेहतर जानकारी जो है समझ में आ सके। तो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होंगे। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, गणित से जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से भी 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से जो है 15 अंकों के। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज जो है अपडेट निकल कर आ रहा है। हिंदी के बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, हिंदी की में आपके पूरा व्याकरण आते हैं जिसमें आपका स्वर व्यंजन वर्तिनी वचन काल संज्ञा सर्वनाम क्रिया प्रयोग समास रचना एवं प्रकार संधि की जानकारी उपसर्ग एवं प्रत्यय तत्सम तद्भव देशज पर्यायवाची विलोमार्थी अनेकार्थी शब्द मुहावरे वलोकोक्तियाँ ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी यदि हम करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी के प्रिपरेशन करेंगे, आपको जो है हिंदी के बारे में संपूर्ण कंप्लीट डिटेल्स और नॉलेज देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आते हैं, इंग्लिश ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन प्रोनाउन टेंस वाइज नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो इसेंशियल इंग्लिश असमें से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग,
कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। साथ ही एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल्स और नॉलेज पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं। साथ ही इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, शॉर्टकट के स्कूल फॉर्म्स, लाइनिक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करना है। तो यदि आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है वह रूप से हो पाएगा। तो अच्छे से आपको मेहनत करना है, अच्छे से आपको जो है तैयारी करना है, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स से आपके एग्जाम में 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स में आपका परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आपको करना है तो आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल पाए। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ सामान्य मानसिक योग्यता, तो इसके अलावा जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लीजिए ताकि आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाए। सामान्य ज्ञान के अलावा जो टूटेजर ट्यूटोरियल्स का बुक ले सकते हैं, आपको सामान्य ज्ञान के बारे में जो है हर एक चीज़ कम्प्लीट नॉलेज देखने को मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें, संसार की घटना चक्र के, तो इसके लिए आप जो है सी जी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। तो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर हम सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना, कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। और छत्तीसगढ़ में जो अमीन पटवारी के सिंचाई विभाग में टोटल 288 पदों पर आप लोगों के लिए वैकेंसी निकल कर आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, तैयारी करना, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा और आपको कामयाबी, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, आपके सभी सपने जो है ज़रूर पूरे होंगे। यदि आप सपने देखते हैं तो ज़रूर पूरे होंगे आपके सपने।